equal to 1 and a is any real number, then pa is equal to 0 implies x minus a is a factor of px. यहाँ ये कह रहा है कि px अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 से ज्यादा या इक्वल है, देन a इज और एंड a इज एनी रियल नंबर देन pa इज इक्वल टू 0. यहाँ पे pa क्या शो कर रहा है, pa इज ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि x माइनस a px का फैक्टर है, तभी रिमाइंडर 0 हो रहा है. तो अगर pa इज इक्वल टू 0 तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, और इसका कन्वर्स क्या है, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इंप्लाइज pa इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर फैक्टर होने का मतलब है px जो पॉलिनोमियल हो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर ले रहा है x माइनस a जो कि इसका फैक्टर है. तो फैक्टर के केस में जैसे हम नंबर्स के फॉर्म में देखिए, तो अगर 2 6 का फैक्टर है इसका मतलब 6 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और उस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px implies pa equal to 0, यानी कि अगर x माइनस a फैक्टर है px का, यानी कि उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर ले रहा है, उस समय उस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तो यही हमारा, वहां हम नंबर फॉर्म में पढ़ते थे और यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल फॉर्म में इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. कुछ नोट्स हैं यहाँ. फर्स्ट, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0. अगर f माइनस a फैक्टर है px पॉलिनोमियल का तो pa जो है वो यानी कि रिमाइंडर 0 होगा. फिर x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन p माइनस a रिमाइंडर होगा, वो भी 0 होगा. यहाँ a x प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p माइनस b बाई a इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इस केस में ये रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस b बाई a. एंड x माइनस a x माइनस b आर फैक्टर्स ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0 एंड pb इज इक्वल टू 0. अगर ये दोनों ही फैक्टर्स हैं px के तो उस केस में दोनों ही रिमाइंडर, दोनों ही के केस में डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे 0 आएंगे. फैक्टर्स थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब यहाँ कह रहा है कि x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब है कि ये जो x प्लस 3 है वो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, और एग्जैक्टली डिविजिबल करने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर उस केस में 0 होगा. तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर होगा एफ एक्स इक्वल टू दिस, इवेल्युएट द फैक्टर एक्स प्लस 3 टू 0, इसको इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे. तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस 3. बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यानी कि एक्स प्लस 3 तब फैक्टर होगा एफ एक्स का जबकि उसका रिमाइंडर 0 हो. तो हमने रिमाइंडर को 0 कर दिया, f माइनस 3 इसका रिमाइंडर है उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया. अब f जो फंक्शन था उसमें x की वैल्यू पुट करके उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि हमारा उस केस में रिमाइंडर 0 है. तो ये भी, ये पूरा फंक्शन की वैल्यू भी हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी. तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस m माइनस 3 प्लस 24. तो माइनस 3 का क्यूब होता है माइनस 27, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3m प्लस 24 इक्वल टू 0. यहाँ माइनस 27 और 9 3 से माइनस 27 प्लस 3m प्लस 24 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे दोनों माइनस में है 27 27, यहाँ पे 24 और 27 को सबट्रैक्ट किया तो माइनस 3 आ गया माइनस 3 एंड माइनस 27 हो गया माइनस 30. तो 3m is equals to minus 30 equal to 0, then 3m equal to 30 and m equal to 10. यहाँ m की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और उसकी वैल्यू आ गई 10. Question 2, if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of this polynomial, then show that a equal to b.
तो यहाँ पे कह रहा है कि ये x माइनस टू एंड x माइनस वन बाई टू बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस, यानी दोनों से ये जो पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल में दोनों ही फैक्टर्स से डिविजिबल होगा, क्योंकि फैक्टर्स हैं दोनों ही पॉलिनोमियल हमारे फैक्टर्स हैं गिवन पॉलिनोमियल के, तो दोनों ही से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, उस केस में हमारा रिमाइंडर जीरो होगा। तो इसका सोल्यूशन है पी एक्स हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस बी इक्वेट द फैक्टर एक्स माइनस टू टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल करके फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा। फिर बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी टू इक्वल टू जीरो, पी टू हमारा रिमाइंडर है इस केस में जब एक्स माइनस टू हमारा फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, तो पी टू अगर जीरो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पी की एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में टू पुट करेंगे, तो हमने एक्स की वैल्यू टू पुट करी तो ए टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, टू का स्क्वायर फोर होता है तो फोर ए प्लस टेन प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ बी की वैल्यू हो गई माइनस फोर, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस फोर ए माइनस टेन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब दूसरे फैक्टर के लिए सेम यही चीज हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट द फैक्टर एक्स माइनस वन बाई टू टू जीरो, अब इसको फिर इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ गई, अब एक्स की वैल्यू वन बाई टू है और एक्स माइनस वन बाई टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन एक्स पी वन बाई टू इक्वल टू जीरो, यानी उस केस में भी रिमाइंडर जीरो होना चाहिए और पी वन बाई टू हमारा रिमाइंडर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में एक्स की जगह वन बाई टू पुट कर देंगे, तो हमने सब जगह एक्स की जगह इस पॉलिनोमियल में ए इंटू वन बाई टू का स्क्वायर प्लस फाइव ए इंटू वन बाई टू प्लस बी, तो ए बाई वन बाई टू का स्क्वायर होगा ए बाई फोर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस फाइव बाई टू हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ए बाई फोर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर टू है तो इसको फोर बनाएंगे क्योंकि हमें हर टर्म में डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो टू को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फोर हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ऊपर न्यूमरेटर में भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अपॉन फोर आ गया, यहाँ पे भी फोर न्यूमरेटर और फोर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर भी अपॉन फोर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा फोर रिमाइंडर जो था वो कॉमन हो गया, सब में फोर है रिमाइंडर, तो हमने क्या किया न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, ए प्लस टेन प्लस फोर बी अपॉन फोर इक्वल टू जीरो, अब फोर हमारा डिनोमिनेटर में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और जीरो इंटू फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक इक्वेशन निकल के आ गई ए प्लस टेन प्लस फोर बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट माइनस फोर ए माइनस बी फॉर बी, बी की वैल्यू हम ये यहाँ पे पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में, ए प्लस टेन प्लस फोर और बी की वैल्यू माइनस फोर ए माइनस टेन पुट करेंगे, ए प्लस टेन माइनस सिक्सटीन माइनस और प्लस माइनस क्या होगा माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो, देन फिफ्टीन सिक्सटीन ए माइनस ए हो जाएगा फिफ्टीन ए माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो, तो माइनस फिफ्टीन ए इक्वल टू थर्टी, देन ए इज इक्वल टू थर्टी बाई फिफ्टीन, और यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब इस सब्स्टिट्यूट माइनस टू फॉर ए इन इक्वेशन वन, अब ए की जगह पे माइनस टू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो ए की जगह हमने माइनस टू पुट किया माइनस टेन, तो माइनस माइनस प्लस एट माइनस टेन हो गया और यहाँ भी बी की वैल्यू भी माइनस टू आ गई, और हमें यही चीज निकालनी थी कि ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो दोनों ही अननोन नंबर्स हमारे इक्वल है, यानी ए इक्वल टू बी आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, इफ एक्स माइनस वन डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस विदाउट रिमाइंडर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे एक ये अननोन नंबर है, के की वैल्यू हमें इसमें से फाइंड करनी है। सॉल्यूशन है लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स माइनस वन डिवाइड दिस, अगर ये कह रहा है x माइनस वन इसको डिवाइड कर रहा है यानी x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, उस केस में x की वैल्यू अगर वन पुट कर दे तो पी वन इज अ रिमाइंडर ऑफ दिस
पॉलिनोमियल। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट में x इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम ये जान गए कि x माइनस वन क्या है, फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी वन हमारा यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर फैक्टर है तो। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे, इस जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, उस पॉलिनोमियल में हम एक्स की जगह वन पुट करेंगे। तो के वन की क्यूब माइनस टू वन स्क्वायर प्लस 24 इंटू वन माइनस 26 इक्वल टू जीरो। अब वन की क्यूब वन आएगा, तो के माइनस टू वन का स्क्वायर वन, तो माइनस टू प्लस 25 माइनस 26 इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 26 और माइनस टू दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 28 प्लस 25 इक्वल टू जीरो। देन के इज इक्वल के माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होगा हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, और 28 माइनस 25 आ जाएगा माइनस 3। तो के माइनस 3 इक्वल टू जीरो, देन के इक्वल टू 3। हमारी के की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, चेक इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फोर आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों साइड्स हैं किसी रेक्टेंगल की, हुज एरिया इज दिस बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर ये साइड्स हैं रेक्टेंगल के, यानी लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल का एरिया हमें ये दिया है। और हमें ये पता है कि रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले में होता है एल इंटू बी, यानी कि साइड दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा एरिया होता है। तो इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फोर आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, उस केस में हमारा एरिया हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर। बट इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, और हमें मगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी दोनों ही चीजें इक्वल होनी चाहिए। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो भी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी है, तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने। फ्रॉम द अबव इक्वेशन एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फोर मस्ट बी द फैक्टर ऑफ दिस। अब ये दोनों ही हमारे फैक्टर होने चाहिए इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि दोनों ही का मल्टीपल हमारा इसके इक्वल है। तो इस केस में यानी ये दोनों ही हमारे फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो उसको चेक करने के लिए एक्स की वैल्यू हम एक बार टू और एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक बार माइनस टू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक बार प्लस फोर करेंगे। तो वेरीफाई पी एक्स इक्वल टू दिस, फैक्टर थ्योरम से इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पी माइनस टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर ये फैक्टर है तो, और एक्स माइनस फोर इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, तभी होगा फैक्टर जब पी फोर इक्वल टू जीरो होगा। दोनों ही कंडीशन में ये चेक करेंगे, तो दोनों यानी एक बार पी की एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे और उसको वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, और एक बार एक्स की वैल्यू फोर पुट करेंगे तब भी वो जीरो के इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे दोनों ही फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पी की वैल्यू, पहले हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू हमने माइनस टू पुट करी, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस टू माइनस एट आ गया। तो माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, माइनस टू प्लस फोर हो गया और माइनस एट, तो एट माइनस एट जीरो हो गया, यानी पी माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये श्योर हो गया कि जो एक्स प्लस टू था वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे कि एक्स माइनस फोर भी फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए भी एक्स की वैल्यू हम फोर पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमने फोर पुट किया, तो फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस एट माइनस एट, तो ये आ गया जीरो। तो यानी कि दोनों ही हमारे फैक्टर्स हो गए गिवन पॉलिनोमियल के। सो एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फोर आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, हेंस एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फोर आर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। यानी अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स का ही मल्टीपल, यानी ये दोनों को कहा गया था कि दीज आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर ये साइड्स हैं तो साइड्स का ही मल्टीपल हमारा क्या होता है, एरिया के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये साइड होंगे तभी एरिया होगा, साइड्स आर रेक्टेंगल। तो एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फोर हमारे साइड्स हो गए रेक्टेंगल के। थैंक यू।